आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बार यूज्ड इन वन वे स्लैब, माने कौन कौन सी बार हमारी वन वे स्लैब में लगती है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि वन वे स्लैब के बारे में, वन वे स्लैब क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बार हमारी वन वे स्लैब में लगेगी। तो उससे पहले ये एक ड्राइंग आप देख रहे हैं, ठीक है, ये स्लैब है जिसका डायमेंशन है, स्लैब का डायमेंशन है 2.4 मीटर बाई 5.305 मीटर। तो पहले तो मुझे ये पता करना होगा ये स्लैब मेरा वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। तो कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला होता है लॉन्गर स्पैन। तो पहले हम लॉन्गर स्पैन की ना हमारा 5.305, माने कि 5.305 डिवाइडेड बाई लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाई शॉर्टर स्पैन। अगर हमारा ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू 2 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वन वे स्लैब है। तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2.21 आएगा। तो ये हमारा 2 से बड़ा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वन वे स्लैब। ठीक है, तो ये मुझे पता चलेगा ये मेरा वन वे स्लैब है। अब बार कैसे लगेगी ये स्लैब में मुझे देखना है। तो सबसे पहली बार जो लगती है वो हमारी अल्टरनेट क्रैंक बार। तो हमेशा याद रखना, जो भी बार सबसे पहली लगेगी उसी को हम लोग मेन बार बोलते हैं। तो सबसे पहली बार जो लगेगी वो हमारी मेन बार, जो वो बार होगी अल्टरनेट क्रैंक बार। तो हम लोग वन वे स्लैब में जानते हैं कि हमारा लोड जो होता है ट्रांसफ़र किधर करता है, शॉर्टर स्पैन में करता है। माने कि ये 2 बीम में मेरा लोड जाएगा वन वे स्लैब में, शॉर्टर स्पैन यही है। तो जिधर मेरा लोड ट्रांसफ़र होगा हम लोग उधर ही क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। तो क्रैंक बार ही का काम होता है लोड ट्रांसफ़र करना। तो इसलिए हम लोग जिधर किधर लोड ट्रांसफ़र हो रहा है, ये 2 बीम में ट्रांसफ़र होगा हमारे शॉर्टर स्पैन में, तो हम लोग क्रैंक बार इसके अलॉन्ग लगाएंगे, माने शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग लगाएंगे। मगर जब भी आपको अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग क्रैंक बार किधर प्रोवाइड करते हैं, तो हमें इसका आंसर ये देना है कि जिधर हमारा लोड ट्रांसफ़र होगा हम उधर क्रैंक बार प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम ड्राइंग से आपको बताते हैं दिखा के कि कैसे बार लगेगी। जैसे ये मेरे गई क्रैंक हुई, फिर ये ऐसे चले गई, फिर वैसे ये बार जाएगी क्रैंक होगी, फिर ये सीधे चली जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ये सीधे बार जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। तो ड्राइंग देखिए पता चल रहा है कि अल्टरनेट क्रैंक बार है। एक बार जैसे यहाँ एक क्रैंक इधर आया, एक क्रैंक इधर है, एक क्रैंक इधर है, मैंने अल्टरनेट क्रैंक बार लग रही है। तो ये भी हो सकता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में कि हम लोग अल्टरनेट क्रैंक बार क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जैसे हमारे स्लैब में लोड पड़ेगा तो ये दोनों कॉर्नर से क्या करता है, उड़ जाता है, ये दोनों कॉर्नर से हमारे उठने की कोशिश करेगा। तो ये एक्शन ना हो, तो इस एक्शन से बचने के लिए हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं, क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं, ये एक्शन ना हो। जैसे ही आप इस पर लोड डालोगे क्या होगा, ये दोनों कॉर्नर से उठने की कोशिश करेगा। वन वे स्लैब में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फोर वे स्लैब में चारों साइड से उठता है, अभी मैं वन वे स्लैब की बात कर रहा हूँ कि दोनों साइड से क्या होता है, उठने की कोशिश करता है। तो ये एक्शन ना हो, इस एक्शन से बचने के लिए हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं, क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में। तो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारी लॉन्गर स्पैन लॉन्गर स्पैन लगती है। ठीक है, तो लॉन्गर स्पैन माने कि ऐसे हमारी क्या लगेगी, ये होगी हमारी बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये हमारी बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग लगेगी। ठीक है, मगर याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो हमारी इस ये क्रैंक बार जो है अल्टरनेट क्रैंक बार, इसके जस्ट ये इसके ऊपर लगती है हमारी बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, इसके ऊपर लगेगी हमारी बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। उसके बाद जो आता है हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन समझिएगा, तो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जहाँ तक हमारा क्रैंक है वहीं तक हमारी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगती है। जैसे ये साइड देखोगे तो क्रैंक हमारी यहाँ तक है। ठीक है, फिर ये क्रैंक हमारा यहाँ तक है। ठीक है, क्रैंक माने यहाँ तक है, तो माने यहीं तक हमारी क्या लगेगी, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगी। तो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार भी इसी ऐसे ये ऐसे जाएगी। ठीक है, ये भी जो जाएगी ये लॉन्गर स्पैन अलॉन्ग लॉन्गर स्पैन लगेगी। ठीक है, इसके अलॉन्ग मगर ये जो लगती है क्या बोलते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, सबसे पहले हमारी एक अल्टरनेट क्रैंक बार लगेगी, फिर उसके ऊपर जस्ट हमारी क्या लगेगी, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, अब ये अल्टरनेट क्रैंक जो रहता है वो थोड़ा उठा रहता है, आप अगर कहीं साइड पे देखिएगा वो ऐसे आगे जाके उठा रहता है। ठीक है, तो ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार ये क्रैंक को सपोर्ट करने ही के लिए हम लोग क्या कर लगाते हैं, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट क्रैंक के नीचे लगती है, उसको बाइंडिंग वायर से बांध दिया जाता है। ठीक है, तो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार का
काम क्या होता है, क्रैंक को सपोर्ट करना, और जहाँ तक क्रैंक है वहीं तक हमारी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएगी। और ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये जो क्रैंक आती है इसका क्रैंक हमारा L/4 तक आता है। ठीक है, ये हम आगे आपको बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी बस इतना जान लीजिए, ये जो क्रैंक हम लोग जहाँ तक प्रोवाइड करते हैं, कहाँ तक प्रोवाइड करते हैं, L/4। ठीक है, L/4 तक। ठीक है, अब टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार का यूज़ पता चल गया। अब आती है हमारे टॉप एक्स्ट्रा बार। ठीक है, अब टॉप एक्स्ट्रा बार को समझाने के लिए, जैसे हमेशा याद रखिएगा, स्लैब में ये कंडीशन, जब भी आप जाएँ साइट में कभी चेक करने, तो स्लैब में ये ध्यान देने का है कि सभी बार की स्पेसिंग जो होनी चाहिए हमेशा सेम होनी चाहिए। माने ये स्लैब में जो भी बार लगी है सबकी स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे और इसी स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हम लोग टॉप स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं, ये दो क्रैंक के बीच में। ठीक है, माने कि टॉप स्ट्रा बार बिटवीन टू क्रैंक बार हम लोग देंगे स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ग्राफ फिगर बताता हूँ, आपको समझाता हूँ टॉप स्ट्रा बार के बारे में। जैसे ये मेरी एक क्रैंक बार गई, ठीक है, स्लैब में, ये स्लैब का मैं बता रहा हूँ, ये मेरी दूसरी क्रैंक बार गई। ठीक है, फिर ये मेरी तीसरी क्रैंक बार ऐसे गई। ठीक है, तो जैसे ये दोनों क्रैंक के बीच अगर स्पेसिंग मान लेते हैं 150 mm है, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में भी कितना होगा, 150 mm होगा, क्योंकि मैंने बताया कि स्लैब में सभी बार की स्पेसिंग सेम होनी चाहिए। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ जरूर चेक करना है कभी भी अगर आप जाओ साइट पे, ठीक है, स्लैब में, तो हमेशा ये चीज़ जरूर देखना है कि सभी बार की स्पेसिंग हमेशा सेम होनी चाहिए। तो इसी स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, दो क्रैंक बार के बीच में। ठीक है, तो जैसे ये क्रैंक और ये क्रैंक के बीच की कितना स्पेसिंग हो जाएगी, हमारी हो जाएगी कितने, 300 mm हो जाएगा। ठीक है, मगर मैंने हम लोग क्या बताया था कि स्पेसिंग हमेशा सेम होना चाहिए, तो ये दोनों स्पेस यहाँ तो 150 मगर यहाँ ये दोनों के बीच में 300 होगा, तो ये स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए 150, ठीक है, हो तो दो ये दो क्रैंक बार के बीच में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में एक टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से ये दोनों बार की स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, 150 mm हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा टॉप एक्स्ट्रा बार पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सिंपल था, यही चार बार हमारी यूज़ होती है। अगले नेक्स्ट क्लास में अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये लोगों ये सब बार का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।